राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे YouTube चैनल अंजनी के हर वार ब्लॉग्स में स्वागत है। और अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, बेचने आई थी तो मैं वही ख़रीद रही हूँ, तो आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना जल्दी जल्दी और बारीक काट लेती हैं। अब मैं नहा धोआ करके पूजा उजा करके आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ मैं पोहा बनाने की पूरी तैयारी कर ली हूँ। मिर्ची, प्याज, आलू, गोभी, मटर सब कुछ काट के रख ली हूँ और यहाँ पर मैं पोहा निकाल ले रही हूँ धुलने के लिए। और एक तरफ मैं कढ़ाही चढ़ा दी हूँ सरसों तेल डाल करके, जब तक वो गर्म होता है तब तक मैं इधर पोहा धुल ले रही हूँ। और उसके बाद पहले मूंगफली तलूँगी। यहाँ तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं मूंगफली डाल करके और पहले निकाल ले रही हूँ। और मैं एक तरफ तड़के का भी निकाल ली हूँ, जीरा, धनिया, राई, सौंफ ये सब निकाल ली हूँ, थोड़ी सी चने की दाल। पहले ये डाल करके फिर चने की दाल डाल दूँगी। चने की दाल से टेस्ट बहुत अच्छा आता है पोहे में। जब दाल भी हल्का सा भून जाएगा उसके बाद उसमें मिर्ची, प्याज, प्याज भी भूनने के बाद फिर आलू और गोभी डालूँगी, मटर। जो पोहा धुल करके रखी हूँ उसमें धनिया पाउडर, धनिया पत्ती, काला नमक, नींबू का रस और शक्कर सभी चीज़ को मिक्स करके और रख देंगे। शक्कर में डालना भूल गई थी इसलिए मैं बाद में डाली हूँ शक्कर। और अगर नींबू ना रहे तो उसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, चाट मसाला से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पोहे में। दोस्तों, आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो सब्जी डाली हूँ इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डालेंगे और कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। बस सब्जी अच्छे से जब पक जाएगी उसके बाद उसमें जो मिक्स किया हुआ पोहा है तो उसको डालेंगे। और पता है दोस्तों, मुझे पहले पोहा खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, ना ही बनाना अच्छा लगता था ना ही खाना, लेकिन अब अच्छा लगता है खाना भी और बनाना भी, क्योंकि बिहार में पोहा नहीं खाते हैं, वहाँ चूड़ा खाते हैं। चूड़ा को भूंज करके उसमें चाहे तो मटर, मूंगफली जो भी रहता है वैसे खाते हैं बिहार में। और यहाँ सब्जी अच्छे से पक गई है तो मैं पोहा डाल ले रही हूँ। पोहा को डाल करके और अच्छे से मिक्स करूँगी। जब पूरी सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर ढक ढक करके पका लूँगी। इसमें ढकने का एक भी क्लिप नहीं आया है लेकिन मैं ढक ढक करके ही पकाई हूँ। ढकने से क्या होता है, नरम भी अच्छे से हो जाता है और अंदर से गर्म भी हो जाता है पोहा। और मेरे बच्चों को और इनके पापा को पोहा इतना पसंद है कि ये लोग पेट भर के नाश्ता में पोहा खा लेते हैं, जिस दिन उस दिन ये लोग खाना नहीं खाते हैं। और यहाँ मैं मूंगफली भी डाल दे रही हूँ जो तल करके रखी हुई थी। अब पोहा बन चुका है बस। और एक तरफ से मैं प्याज भी काट ली हूँ और मूली को भी घिस करके रख ली हूँ। जिसको प्याज के साथ खाना होगा, जिसको मूली के साथ खाना होगा तो वैसे खाते रहेंगे। मुझे और सूप को तो सॉस के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं अब शक्कर डाल रही हूँ जो उस टाइम भूल गई थी। 1 से 1.5 चम्मच बस शक्कर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, जिससे हल्का खट्टा मीठा का टेस्ट आ जाए। अब यहाँ पोहा बन के तैयार हो गया है और मैं यहाँ सबके लिए निकाल ले रही हूँ गर्मा गर्म पोहा। पहले ऊपर भेजूँगी 2 प्लेट, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। और यह पोहा लग चुका है। अब इसमें मैं थोड़ी मूली और थोड़ी प्याज, थोड़ी नमकीन डाल दे रही हूँ और अब बस तैयार है खाने के लिए। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों पोहा खाने के लिए। और खाने में बहुत टेस्टी बना था दोस्तों। और किस किस को पोहा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोपहर में फिर मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, सबका पेट इसी से भर गया था। फिर रात ही को सीधे खाना बनाई थी। दोपहर में पहले थोड़ी मार्केट जाना था तो फिर वही हम लोग यहाँ मार्केट
जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ये देखिए कितनी सारी गई है, बिल्कुल आके खड़ी हो गई, एक साथ चार पांच आ गई थी, फिर किसी तरह भगाए फिर गए हैं खरीदारी करवाने। और ये सूप भी जा रहा है हम लोग के साथ, प्रथम नहीं जा रहा है। राधे राधे करो सूप। आज सूप शर्मा रहा है पहली बार, है ना सूप? क्या क्या लोगे अपने लिए? माल, माल ही ले लोगे? अच्छा खरीद दोगी? नहीं। तीन चार दिनों से मुझे ये तैयार करके और फिर नहीं ले जाते थे, बोलते थे कि मैं आऊँगा 8 बजे, तो फिर 8 बजे चल देंगे। इसीलिए उस दिन ये शाम को लेकर के गए थे, नहीं ले गए थे इसलिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, तो वही मैं ज़्यादा कुछ नहीं ली थी, घर में जो ज़रूरत के सामान था वही लेना था, तो वही उसी को ले करके फिर हम लोग आए थे। चलो भैया का मैं पहली बार आ रहा हूँ, है ना? लेके आते वो नहीं आया आज, हम लोग लिफ्ट में अकेले हैं, कोई नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत है। ग्राउंड में चले जाना चाहिए हम लोग को। क्यों? क्या ले रहे हैं आप? यहाँ से घर जाने के बाद फिर मैं कुछ भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी, क्योंकि फिर निन्नी टीटू को भी आना था। बस उसके बाद मैं फिर खाने में पनीर की सब्जी, पुलाव और रोटी बनाई थी। और यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, ये सीधे रात का है। और थैंक यू दोस्तों, मैं अपने वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ।